सब्सक्राइब करिए एग्रीटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चरल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के बारे में। बताएंगे आपको क्या है इनका काम और सरकार क्यों दे रही है इनपे 80% अनुदान, और पांच ऐसी कंपनियां बताएंगे जहां से आप डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सुपर सीडर की। तो सुपर सीडर मेनली रोटावेटर और जीरो ड्रिल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें रोटावेटर के ऊपर जीरो ड्रिल लगा होता है। सुपर सीडर यंत्र खेत की जुताई करके बुवाई करता है। मेनली यह 11 टाइन और 13 टाइन में अवेलेबल होता है। दोस्तों, सुपर सीडर को चलाने के लिए कम से कम 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर की जरूरत होती है। 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होने पर सुपर सीडर आसानी से चल जाता है। 50 हॉर्स पावर से कम के ट्रैक्टर होने पर बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होती है और पीडीओ पावर कम होता है ट्रैक्टर का। इसलिए कम से कम 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर रहेगा तो फिर आपको सुपर सीडर बढ़िया सर्विस देगी और बुआई बढ़िया से होगी। अब आइए बात करते हैं हैप्पी सीडर की। हैप्पी सीडर मेनली मल्चर और जीरो ड्रिल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मल्चर का रूटर लगा होता है, रूटर में वाई शेप के ब्लेड लगे होते हैं और जीरो ड्रिल का बॉक्स लगा होता है। जीरो ड्रिल का बॉक्स आपको 13 टाइन 11 टाइन में अवेलेबल हो जाता है। हैप्पी सीडर की सबसे बड़ी खामी ये है दोस्तों कि हैप्पी सीडर आपके खेत की जुताई नहीं करता है, ये सीधा बिजाई कर देता है। इसमें मल्चर का जो रूटर लगा होता है वो आपके बचे हुए अवशेष को काट देता है, और जीरो ड्रिल का जो कॉम्बिनेशन लगा होता है वो सीधा ज़मीन को फाड़ के बिजाई करते हुए जाता है। इससे आपको पिछली फसल के अवशेष खेत में ही मिल जाते हैं, जिससे फसल को उगने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब आइए बात करते हैं उन पाँच कंपनियों की जिनसे आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। उनका नंबर और एड्रेस ये आपको मैं दे रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली कंपनी है सतनाम एग्रो इंडस्ट्रीज, दूसरी है टैफे ट्रैक्टर्स, तीसरी है दशमेश मैकेनिकल वर्क्स, और चौथी है इसमें सोनालिका एग्रो इंडस्ट्रीज, पांचवी है ड्रोली इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया।